दोस्तों, आज की इस कहानी में हम गैर संचारी रोग, उसके प्रभाव और प्रबंधन के बारे में जानेंगे। चांदनी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद गले में कुछ फंस गया है। ये लो चांदनी, पानी पी लो और थोड़ा बैठ जाओ। थोड़ी देर के लिए लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है। चांदनी, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा हांफते हुए देखा है और तुम्हारे सर में दर्द भी होता है, और आज ये सांस का फूल जाना, ये गैर संचारी बीमारी के लक्षण हैं। गैर संचारी बीमारी? ये कैसे होता है? क्या ये छूने से भी फैलती है? तुम्हारे लक्षण अस्थमा या उच्च रक्तचाप का है। ऐसे और भी गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग। ये बीमारियां लोगों को छूने या बात करने से नहीं फैलती हैं। तो अब मैं क्या करूं ज्योति? इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? भारत में अधिकतर मृत्यु गैर संचारी रोगों से होती है, लेकिन अगर तुम इसकी सही समय पे जांच कराओगी तो स्वस्थ जीवन जी पाओगी। ऐसी बीमारियां कैसे होती हैं ज्योति? इनका कोई तो कारण होगा। ये बीमारियां बहुत सारे कारणों से होती हैं। कुछ हमारे जोखिम व्यवहार से होती हैं, जैसे कि असमानता से भोजन करना, गतिहीन दिनचर्या, व्यायाम ना करना, नशीले पदार्थों का सेवन। लेकिन कभी कभी ये रोगों का कारण हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे कि हमारी आयु, दूषित पर्यावरण, परिवार का शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधित इतिहास। जैसे कि तुम्हारे परिवार के लोगों को हृदय रोग की परेशानी है, तो बढ़ती उम्र में तुम्हें भी हो सकती है। इन सब का क्या प्रभाव हो सकता है मेरे जीवन में ज्योति? चांदनी, गैर संचारी रोगों का इलाज और जांच नहीं हुई तो तुम कमजोर हो जाओगी और ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। ज्योति, मुझे बीमार होके जीवन नहीं जीना है। इन बीमारियों का कुछ तो प्रबंधन होगा। घबराओ मत चांदनी, पहले तुम अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य केंद्र जाकर शरीर और लक्षण की जांच करवाओ। डॉक्टर जो सलाह और दवाई दे, उसका नियमित रूप से पालन करो और स्वस्थ जीवन शैली तथा खान पान और अच्छी आदतों को अपनाओ। अपने व्यवहार को नियंत्रित करोगी तो बीमारी दूर ही रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी में हमने जाना कि गैर संचारी बीमारियां जैसे कैंसर और हृदय रोग एक दूसरे के छूने से नहीं फैलते हैं। ये जोखिम व्यवहार और अच्छी जीवन शैली न अपनाने से होते हैं। इन बीमारियों की जांच न करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। पारिवारिक स्वास्थ्य के इतिहास की संबंधित जानकारी रखने से इन बीमारियों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।